हो देखा भैया मास्टर गीत बजा देलौ ई कौनो मेहरारू अपना मर्दे के समझावत बा मरज तनी हर हर झांकता छत्ते पर चढ़ के वही जैसे निशाना लगौले है तो मेहरारू पीछे से आके कालर पकड़ ले हल ई तुहार आदत ठीक नहीं खे का करता वो कहलस कुछ ना करत है यही तरह ताकत है कहलस कि ना बतावत ये मेहरारू का कहत हो खड़ा होके छत के गिरील पर हे पिया ताकत निकोना चुराइल खड़ा होके छत के गिरील पर हे पिया ताकत निकोना चुराइल पर चालू चिड़ैया हमहू जरे के हाई चालू चिड़ैया हमहू जरे के हाई जवन खेलिया खेलतानी रौराए बलम ओकर खेलाड़ी हम नहीं हारे के आई हे हो की प्रस्तुति आज आरवी स्टूडियो भीमपुरा नंबर एक बलिया से प्रोपराइटर सोनू विश्वकर्मा जी की देख रेख में ये गीत आप लोगों के बीच में जा रहल बा। ये गीत आरवी म्यूजिक बिरहा चैनल पर आप लोगों के बीच में जाई आप लोग सुनब आशीर्वाद देहब प्रणाम करतनी चार लाइन भूमिका की लाइन है मास्टर साहब मुकद्दर का फूटा जमाना भी रूठा दर दर की ठोकर खिलाती मुकद्दर मुकद्दर में आती जब जालिम गरीबी हर समय हर घड़ी में रुलाती मुकद्दर फूल भी सूल बनकर जिगर में चुभे टूट जाता गरीबी में सारा सहारा
दम पर जख्म देती रही उम्र भर, कहते साहब न मिलता कहीं पर सहारा। जख्म पर जख्म देती रही उम्र भर, कहते साहब ना मिला कहीं पर सहारा। एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा है मास्टर। अरे सज कर मेरा जनाजा, अरे सज कर मेरा जनाजा, जाएगा यूं निकल के सज कर मेरा। अरे जाएगा जब निकल के, जाएगा जब निकल के। मेरी कब्र पे तू आके, मेरी कब्र पे तू आके रो लेना हाथ मल। कवि जी भाव लिखता का भाव हो, अरे सारे जहां के मालिक, अरे सारे जहां के मालिक कैसी है तेरी माया। सारे जहां के तूने, अरे पल में हंसा के तूने जीवन भर रुलाया। पल में हंसा के तूने, ये हमें से कहानी का शुरुआत लग गई मास्टर भैया। परवरदिगार आलम तेरी शान गजब होती है, किसी को कंकड़ तो किसी को दिया मोती है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में जिला उधमपुर नामी है, उत्तराखंड में जिला उधमपुर नामी है, भवानीपुर की ये दुख भरी कहानी है। उसी गांव में, उसी गांव में शिवनाथ एक कुम्हार सही, तंग गरीब में बिचारा वह लाचार सही। उम्र थी आठ तब सिर पर वज्रपात हुआ, उम्र थी आठ की तब सिर पर वज्रपात हुआ, स्वर्ग सिधार माता पिता वह अनाथ हुआ। अरे
बात के समझ लें, कहानी एकदम साफ साफ हो जाए। उत्तराखंड में एक थे जिला उधमपुर बाप। उधमपुर जिला में भवानीपुर गांव में शिवनाथ नाम का एक थे व्यक्ति बाण। कहानी की शुरुआत होती है शिवनाथ का उम्र बहिना अठे बरिस के बा माई बाबू का साया दुनिया से शिवनाथ के सिर से उठ गई हो बाबू। अब जब साया उठ गई तब बिरहा में गीत लग गई मास्टर। झिलमिल सितारों का झिलमिल सितारों का आवन होगा। झिलमिल सितारों का आवन होगा। रिम झिम बरसता सावन बाबू। आठ बरिस का उम्र हो बाबू शिवनाथ का माई बाबू ये दुनिया के छोड़ के बस गए शिवनाथ टुअरा होके रोवतना। कवि जी भाव लिखत हुआ घूमी घूमी टुअरा रोवे घूमी घूमी टुअरा रोवे अपना दुआरी घूमी घूमी टुअरा रोवे अपना दुआरी के अब बेटा बेटा कही के पुकारी। छोटी मुकी लैका बा हो बाबू आठ बरिस का माई बाबू ना हो घूम के दुवरिया पर रोवत बा के हमके पढ़ाई लिखाई के खियाई। गांव का लोग सोचत ना कि लड़का या नाथ हो गई एकरी आगे पीछे के बा। गांव का प्रधान जी अलग कहल के काम बा कि ये लड़का के अब गांव का जिम्मेदारी बा कि पालल पोसल बढ़ावल जाओ। यही में केहू कहल कि भाई एक जाने की बस का बात नहीं है लड़का एक दिन सबके किए खाई। पूरा पंचायत में फैसला हो गया चला ठीक बा लड़का सबके किए का एक दिन खाई। अंतरा की लाइन में कहना हो गौवा के लोग सोचे जुगुती लगाई के पारा पारी भोजन करावे के बोलाई के। रामानंद ठाकुर क आइल जब बारी रामानंद ठाकुर क आइल जब बारी के अब बेटा बेटा कही के पुकारी। बाबू गांव का लोग फैसला कैलन की लड़का एक दिन सबकी कि यहाँ खाई सब बोला के ओके खियाई ओके अपने से नहीं खे जाए के। अच्छा धीरे धीरे समय गुजरल एक दिन रामानंद ठाकुर साहब की यहाँ पारी बा खियावला को ठाकुर साहब गैल बोला के शिवनाथ के कहल के बचवा चल हमारी यहाँ भोजन तो के करे के बाद लेकिन लेके पहुँचल हँ तो कहना बाब देख मासूम शिवनाथ की सूरत। अरे देख मासूम शिवनाथ की सूरत ठकुरा इनकी ममता तड़प उठी। छल छला गया आंखों से आंसू ममता की दरिया छलक उठी। ठकुराइन देखली मासूम लड़का के
उनका ममता हिलोर मारे लगल। आखिर भगवान एक दुनिया में भेज के करी माई बाबू का साया से छीन ले हलो। आखिर यह कि हमारे संतान नियर बा, केहू का संतान होके दुदमुहा लैका बा, कहन लई ठकुराइन बोला के बाबू से नाथ सुना आव तो के गांव का लोग पंचायत कह के ना तो के कहले बा कि एक एक दिन सबका कि यहाँ खाए के बा, लेकिन हम कहते कि आज से तो के कहीं नहीं खे जाए के, तू हमारी घर रहब खैब, जब सयान जवान हो जाइब कमाए खाए लायक हो जाइब तो तुहार जहाँ मर्जी तहाँ जइ हो बेटा, लेकिन आज से ई घरे घरे घूमे वाला काम मत कर। शिवनाथो बड़ा मजे में बाड़ा ठीक बाड़ा, अब ठकुराइन खियावे लगली ठाकुर साहेब की हैं, रहे लागल लड़िका तब बिरहा में गीत बदल थे। एहू तरज का बड़ा जलवा हो, बराती में लड़का गई हो सा किचाली कैले हो सा, घोरी फूल झरी बाड़ू पापा के परी बाड़ू, रही रही पसार रूपा पियर फराक वाली, ए बाबू शिवनाथ ठाकुर साहेब के यहाँ रहे लगल। धीरे धीरे समय बीतल, शिवनाथ का उम्र जब 20 पार कैलस, जब नौजवान हो गई ल तो उनका ब्याह करावतन ठाकुर साहब, कहल कि ये बेटा तू जवान सयान हो गई ले, अब तोर शादी ब्याह कह देवे के चाहिए, तोर तुम जौन तनी मनी जगह जमीन बैठे अब ऊपर अपन तू टाटी मड़ई डाल के अब अपना घर संहार ले। शिवनाथ कहलस कि हाँ बाबू जी बड़ा सहयोग भैल आपको, आपका ही कर्ज हम जिंदगी भर ना भूला पाए आ ना हमसे भरा पाई। रामानंद ठाकुर कहलन कि अरे बुर्बक ये कुल बाती के छोड़, सेवा हो गई तोर, तू बढ़ गई ले जवान हो गई ले, अब कमाए खाए लायक हो गई ले, तोर ब्याह करावे के बाद मेहरारू आ जाती है अपन घर गृहस्थी संभार ले। तो वो समय कहना हो सुघर संसकारी सुमन घरवा संभारी सुमन, सुमन नाम की लड़की से शिवनाथ का शादी हो गया। बड़ा सुशील लड़की बड़ा सुंदर बा, जब लड़की घरे आई ली हो तो बड़ा बढ़िया भाव कवि जी लिखता हूँ, सुंदर संसकारी सुमन घरवा संभारी सुमन, शिवनाथ भैले मन विभोर मन चकोर झूमे, शिवनाथ भैले मन विभोर बेहरारू के पाके। शिवनाथो बड़ा खुश बाड़ो, परिवार बढ़िया से चलत हो। धीरे धीरे बीतल बा 10 साल दिनावा, दीपक दिवाकर घर में दुई गो उठला ही लोर मन चकोर झूमे,
बाबू शादी ब्याह भैले जब 10 साल का समय बीतल हो वही समय के दौरान दुई ठे बच्चा पैदा भैलन दीपक और दिवाकर। अब दू गो से परिवार चार गो बढ़ गए। अब चार जानी के खर्च बढ़ल तो दोहा में लिखे के पड़ल। अरे दो से जब चार हुए बढ़ गया है घर का खर्चा, जाऊंगा बंबई कमाने किया सुमन से चर्चा। सुमन से एक दिन शिवनाथ कहता कि देखो अब दू जानी रह ली जा, दू गो लैका हो गई से चार जानी हो गई जा, तो घरे रहला से काम चले वाला कौनो बहुत बड़ बड़ खेतियों बारी ना बाकी वही से दू पैसा का निकस्ता हो केहू तरह मेहनत मजूरी करके धर्म करम चलता, लेकिन परिवार बढ़ल तो घर छोड़े के पड़ी। विदेशिया में लाइन लगल मास्टर कि जाए खातिर बंबई अशिवनाथ तैयारी कईले, आयारती उतारा सुमन छुएली चरनामा, कि जाके परदेसवा में अब हुलमती जई हसैया, खोज खबर ले तारई हा सुन मोर साजनावा, कि धीरे धीरे बीतल अभी सदिन के समैया हो, आया डाक मुंशी द्वारे हो तभी हनावा, पति वाला कपड़ा देख धड़के ला छतिया हो, आ पति का निवास देखी आ करली रुदनावा। अरे बाबू शिवनाथ तो कमाए गई बम्बई हो बाबू, लेकिन बीसे दिन बीतल रहल तोले डाक मुंशी सबे रही कि पहर, शिवनाथ जौन बेगवा लेके गई हल वे बेगवा ले आके घरे देता, बता दे हलस कि इनका देश हो गई मौत इनका हो गई, अब ये दुनिया में ना बढ़ है ये इनका निशानी मिलल हल्ले के संतोष कर जा। अरे बाबू दुलही जब बेग के देखलस कपड़ा के देखलस छाती पीट पीट रोवे लागल हो बाबू, दोनों लड़का रोवतन अब तो बजर गिर गई, उहे तो कमाए खियावे वाला रहल छोटी छोटी लड़का बाण सा हो बाबू, माई रोवत थे। बिरहा में गीत बदलल मास्टर खबरो ला ले अब खबरो ला ले अब नबरो ला दे लेकिन दुनिया ले बढ़िया भाव कवि जी बिरहा में लिखता सुमन छाती पीट पीट रोवताड़ी, सुमन पीटली छाती सुमन पीटली छाती जिंदगी भइल बा माटी, मंगिया धोवाइल हमार लूट गइल जीवन थाती, सुमन रोवतिया हो बाबू दुनिया में हमके अकेला छोड़ के रंगवा चल गई,
हमके बेसहारा बना के चल गई ली का कहत हो। सुमना पिटेली छाती जिंदगी भइल बा माटी, मंगिया धोआइल हमार लुट गइल जीवन थाती। रहनी सुहागिन अभागिन बनाई दिहल अंबर में डूबी गइल जान, हे जान हो अंबर में, हे गोसैया हो। सुमन छाती पीट पीट रोवती है, हे सैया हे गोसैया ई का कैला। अब ही तो दुपहरिये रहल, अंतरा की लाइन में कहा ना हो। माइरो रहल बा कहतिया, हे गोसैया हो। नान्हे उमर में भइले तुअरा गदेला, हमरा के छोड़ी सैया, हमरा के छोड़ी सैया गइला अकेला। रहनी सुहागिन अभागिन बनाई दिहल अंबर में डूबी गइल जान, हे गोसैया हो। माई रो रहल बा तो बिरहा में टेरी लिखे के पड़ल, अरे होई ऊ जवन चाहे विधानाम कि विधि के विधि विधान को रोक सका ना कोई। अरे हो कोई, अरे हो कोई, विधि के विधि विधान को रोक सका ना कोई। होई ऊ जवन चाहे विधाना, ए बाबू जवन भगवान के मंजूर रही वे होई। लोग रोध होके संतोष कह लेला, सुमन रोवतड़ी सैया हमार हमन के छोड़ के दुनिया से चल गई लो। तब बिरहा में तरज बदल गई, तरज ले बढ़िया भाव हो। कवि की लेखनी संकेत करती है कि बाबू गरीबिया में, अरे सुमन बेचारी हो गई लाचार। बाबू गरीबिया ए बाबू माई
मेहनत मजूरी करके दोनों बचवन के पालत है हो बाबू। तौले भइल का 12 नवंबर 2023 दीपावली कयाइल त्योहार, पूरी सब्जी बनाई है ये माई, कोयल दूनो कुमार ये बाबू, गरीबिया में रोवेल माई लाल कबरिया कवार, बाबू गरीबिया ए बाबू। धीरे धीरे दीपावली का त्योहार है 2023 में जौन दीपावली बीतल बा, दीपावली आ गई, छोटी छोटी लड़िका बाना से तो उनहन के का बुझाता कि गरीबी बा कि अमीरी बा, सबकी घरे पूरी देखला सब बना तो कहला से माई हमनियों के आज पूरी खिया देते तो बड़ा बढ़िया रही, माई दोनों लड़कन के दह के रोवे लागल, माई का खिया झरझर बरसत या हो बाबू, ये हम अपनी बचपन के कहाँ से पूरी ले आके खियाई। तो यही जैसे बिरहा में पापट लिखे के पड़ल, अरे गांव के लोग मनावे ले त्योहार, पटाखा छूटेला आ दोनों भाई मन में किए विचार, पटाखा छूटेला। ए बाबू दोनों छोटी छोटी लड़का बाना समाई रोवती, ए बचवा तो हम लोगन के कहाँ से हम पूरी सब्जी ले आके खियाई, देखा तारा जा केहू तेरे दिन बीतता, लड़का छोटी छोटी हम सब सोचल सो ए भाई ले माई से ही कहतिया, अच्छा कॉलेज की पुड़िया बनावे खातिर तेल लगी, तेल कहाँ से आई, आटा तो बाटे घरे, लड़का सोचल सो कि तेलवे कौन बा, तेल आ जाइ तो माई पूड़ी खिया दे, लड़का कैल सका कि जल दिवाली घर घर में तब दोनों भाई गईले हो, आ दौड़ी दौड़ी के दीप बुझावे बोतल में तेल भरी लई ले हो। ए बाबू लईक बुद्धि सीसी ले हलो सो आ सब दिया ध ध अपन घरे में व्यस्त बा अपन दूसरा काम में, ई टप टप दिया बुता बुता आ सीसी के भर ले हलो सो तेले से, सोचलो सब तेल तो भर गई अब पूरी मिली, लेके माई के ले गई सो कि एक बोतल तेल किए तैयार, पटाखा छूटेला अमा पास में आए हैं कुमार, पटाखा छूटेला। लेके माई लग ले ना हो बाबू, माई और फफक फफक के रोवे लागल, अरे बेटवा ये तेल ले आ दल सा कहाँ से ले अल सो, लड़का बतावे लगल सो, माई डांट उंट के कहल कि ऐसा काम ना कल जला, खैर अब ले आ दल जा ठीक भले चल अब बिहने बनाए खियाब तुह तो लोगन के। बिहान भैले दूसरे दिन शाम भैल, माई व्यवस्था कैले से कैसे हो लड़िकन का मन बात पूरी खिया दही, तो आल्हा में लाइन लगल, कि हाय रे गरी कि हाय रे गरीबी में लचर होला दिनवाए बाबू, कोयला सहारा सब मुहाले लामो, अटवा के सान माई कैली हो तैयारी आए बाबू,
कहला शराब दे दो हमरो रुपया सुन लो कके मजदूर तोहर रुपया चुकैबा बाबू दया कर बाबू जन कर दिल काठ अए बाबू दूसरे दिन शाम को जब वह सुमन अपने बच्चों की इच्छा को पूरा करने के लिए आटा सान करके पूरी बनाने की तैयारी कर रही होती है तबले वही गांव का एक ठेऊ चक्का पहुंचल जाके सुमन का बाह पकड़ लेलस। रात अनहार बा दिन बूढ़ गई बा अनहार होता सुमन गन 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 कांपे लागल हाथ जोड़ के कहे लगल कि भैया बाबू हमार बाह काहे पकड़त नहीं रहुआ हम असहाय बानी हमारी आगे पीछे केहू ना बा हम हन गरीबन के पास एगो आबरू बाई हे थाते हो लुटा जाए तो ये धरती पर हम रह के का कर बाबू हमार बाई छोड़ दई कहलस कि ना जौले हमार पैसा ना देबी कुछ कर्जा उर्जा दिले रहल कभी कहलस जौले पैसा ना देबू तो बाह ना छोड़बा पैसा चुका के जाए तू कहाँ से पैसा देबी हमें ही ना चुकाई। सुमन की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहा है बाबू कभी बच्चों के तरफ देख रही है कभी उस शराबी के तरफ देख रही है रो रही है गिलगिला रही है लेकिन उस कमीना के सीने में दया नाम की कोई चीज नहीं आ रही है बाबू। रोवतिया हे भगवान हे मुरलीधर का नैया तूने हर असहाय भक्तों की लाज बचाई है आज हमारी लाज कौन बचाएगा इस भेड़िया से हमको कौन बचाएगा। इतने में हो बाबू अनहार बतौले देखलस के दुआरवा पर के हुआ बता नजर गई कहलस इत चाल हमके जानल पहचानल लगतिया इतने में तौले उ आदमी लग गए पहुँचल आ जब लग गए देखलस तो चेहरा देख के समझ गई थे हमार पतिदेव शिवनाथ जी शिवनाथ देखलस के भाई हमारी में हरुआ को हई बाह पकड़ ले सारावा बेगवा फेंक के जाके दहल पटक के लगल हई छे गाँव का लोग अल गाँवों का लोग मरल कर बाद पुलिस बुला के ओहित के थाने में पुलिस लेके चल गई जेल भेजल सर लेकिन अब समस्या आ गई सुमन पूछे लागल इतना दिन हमार कौन हाल भइल बा लइकन का कौन हाल भइल बा तू एक बेर खोज खबर ले हल इतना दिन कहाँ रहल बेग कपड़ा भेज दे हल झरझर झरझर रो रहल बा सवाल कर रहल बा तब शिवनाथ बतावत बा का बतावत हो कि जात रहनी हम बस स्टेशन की ओर हो आ झोला छिलके भाग चलाए कचोर हो अरे भइल एक्सीडेंट चोर स्वर्ग सिधारे जननी तो फूटल किस्मत परसुआ के ढारे जननी कहे लागल हम बस सने की ओर झोला लेके जात रही तौले एगो चोर आयल हथवा में से झोलावा छीन के लेके भागल आ उ कुछ दूर पर गई तौले ओकर एक्सीडेंट हो गए तो हमारे डर कि मारे झोलो ले आवे ना गई लेकिन साला जाए तो हम अही के जब प्रदेश में आयल मनी हम अही के झूला दी हाँ सब पुलिस झोला उठौल सब भेज दिल से यहाँ कहल सर झोलावा भेज दिल से एक बेर हमार जो खबर ले हल तो कह तो का करी सब नंबर कमर वही में रहे मोबाइल सोबाइल सब खत्म नंबर मिलबे ना कल का फोन करी कलस जाए तो ठीक बा ठीक समय पर अल ना तो आज तो हमार सगरो धर्म लुटैले रहल दुनू प्राणी अपने आप पर पश्चाताप कैलन
बढ़िया से जिंदगी बिताओ ता दोनों लड़कन का बढ़िया से परवरिश होता। आखिरी लाइन में कहना हो, गुरु बिहारी गुरु गणेश झूम उठा परिवार, अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कभी ईश्वर की मा...